पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के अतरौली से है। यहां अतरौली क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष दिगंबर सिंह को पुलिस को अपना पद बताना पड़ा। महंगा पद सुनकर पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई। अतरौली क्षेत्र के ग्राम नगला हरजी के रहने वाले दिगंबर सिंह भाजपा से मंडल अध्यक्ष है। गाँव में कुछ विवाद होने के कारण वह जरौली पुलिस चौकी पर आए थे। जब जरौली पुलिस चौकी वालों को अपना पद बताया कि मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूं, तो पुलिस ने गाली गलौज करते हुए कहा कि सब मंडल अध्यक्ष ताक में रख दूंगा। दिगंबर सिंह ने कहा कि हमारा क्या कसूर है। इसी बात पर जरौली पुलिस चौकी में रहने वाले पुलिसकर्मी भड़क गए और दिगंबर सिंह की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उनके काफी गहरी चोटें आई हैं, जिसमें उनका एक हाथ भी टूट गया है। यह घटना रात्रि की है। दिगंबर सिंह के साथ एक सहयोगी और थे। जब उन्होंने देखा कि मंडल अध्यक्ष की बेरहमी से पिटाई हो रही है, तो वह भी चौकी से भाग गए और यह जानकारी उनके गाँव में दी। यह जानकारी रात्रि में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगी, तो सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अतरौली कोतवाली का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, अतरौली कोतवाली में आए पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज जी, अरुण जी, गेंदालाल वर्मा जी, चंद्रभान सिंह लोधी, पंकज मिश्रा, यज्ञपान सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष उदयपाल सिंह, राज बहादुर सिंह, पन्नालाल सिंह लोधी, होमेंद्र कुमार लोधी, दान सहाय अंकल मुकेश लोधी, नगर मंत्री अतरौली रमेश चंद्र, यतेंद्र कुमार लोधी, जरौली मंडल मंत्री डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी, जिला पंचायत सदस्य भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अतरौली कोतवाली पर पहुंचे और पुलिस द्वारा उत्पीड़न का विरोध करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वह काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सभी बीजेपी के जितने भी क्षेत्र में कार्यकर्ता है, उनके साथ पुलिस द्वारा आवेदन उत्पीड़न हो रहा है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारे खिलाफ यह उत्पीड़न जारी रहा तो हम विवश होकर बीजेपी पद से इस्तीफा दे देंगे। अतरौली से रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना। और कहाँ कहाँ पर चोट है आपकी? वहाँ पुलिस पे पहुँचने के यहाँ के मौजूदा प्रधान ने शिकायत की कि मेरे साथ बच्ची भी मार रही है, तो उसने पुलिस ने कहा चौकी इंचार्ज वहाँ पर मौजूदा वहाँ शराब पी के झड़ा और सुबह हम देखे लेडी प्रधान है, वो स्वयं फिर चौकी पे गई कि आप नहीं चलोगे मेरे साथ ऐसा हो रहा। तब उस पर पुलिस गई, तो वहाँ जब पुलिस गई तो उनके कोई अजय रिश्तेदार उससे जब उन्हें पुलिस लाने लगी तो आप पहुँच गए कि हम भी चलेंगे साथ में, तो आपसे मतलब नहीं आप चलो, तो उसे चौकी लेके गए, तो फिर ये वहाँ पहुँचे। उनका कहना है कि हमने कोई थप्पड़ नहीं मारा है। ये सब लठ है।